सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। दिस आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है अपने वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन पत्ती ऑक्ट्रो तीन पत्ती रम्मी ऐप के बारे में। अगर आप ये ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपके ऐप में भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, Paytm से रिलेटेड, Google Pay से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐप से आपको जाना है बैंक। ऐप से बैंक जाने के बाद में आपको सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को आप ओपन करेंगे तो आपको स्टेप्स एंड टू फेस देखने को मिलेगा। ऊपर ही आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सर्च सेटिंग के ऑप्शन पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में ऐप सर्च करना है, वेट कर लेना है। वेट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ऐप को देख लेना है, आप कहाँ पर ऐप पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लियर स्टोरेज के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में बैक जाना है। परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको देना है परमिशन। परमिशन देने के बाद में बैक जाना है। ऐप को करना है ओपन। ऐप को करना है ओपन। अकाउंट को करना है लॉगिन। अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो हो जाएगी सॉल्व। तो इसी टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।